सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मुंबई पुलिस जो है सुशांत के चारों डॉक्टर से पूछताछ कर चुकी है। फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ये चारों दिन जो है एक एक डॉक्टर से पूछताछ की गई और जो है उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर सुशांत को क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन एक जो बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात सामने आई है वो ये है, जो सूत्रों से पता चला है, कि सुशांत जो है चारों ही डॉक्टर्स के पास जो है एक साथ जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था किसी एक डॉक्टर के पास जाए दूसरे के जाए, वो चारों डॉक्टर को एक साथ कंसल्ट कर रहे थे। और आज जिस डॉक्टर के साथ पूछताछ हुई है उनके साथ जो है उन्होंने इलाज जो है नवंबर 2019 में शुरू कराया था। और सबसे बड़ी बात जो आई है वो इनके पास तीन ही बार गए थे और जितनी भी बार गए वो रिया के साथ गए थे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी जो डॉक्टर्स के बयान लिए गए उन्होंने ये बात साफ की कि जो है रिया ने उनको मिलवाया था एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और आज भी ये बात निकल कर आई है कि वो तीन बार गए थे इन डॉक्टर के पास, डॉक्टर परवीन के पास, जो नाम सामने आया है, और उनके साथ पास भी जब वो गए तो रिया उनके साथ ही थी। इसके अलावा जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि तीन डॉक्टर्स नहीं बल्कि चार डॉक्टर्स का बयान दर्ज हो चुका है। तीन की बात आ रही थी लेकिन ऐसा नहीं है, आज सूत्रों से ये क्लियर हुआ है कि तीन नहीं चार डॉक्टरों का बयान दर्ज किया गया है। पहली बार वो कायपोची के समय मिले थे डॉक्टर से, ये भी खबरें आ रही थी। हालांकि इसको लेकर जो है अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक बात सामने आई है कि डॉक्टर परवीन, जिनका कि आज बयान दर्ज किया गया है, उनके पास वो तीन बार गए थे और जो है तीनों बार रिया उनके साथ थी। इसके अलावा जो है जो शनिवार को डॉक्टर का बयान दर्ज किया गया, शुक्रवार को किया गया, तब भी ये बात निकल कर आई थी कि उन डॉक्टर से जो है रिया ने अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिलवाया था और ऐसे जो है सुशांत उनके संपर्क में आए थे। तो सूत्रों से जो हमें पता चला है वो ये है कि चार जो है डॉक्टर्स थे जिनसे सुशांत ट्रीटमेंट कराते थे और इन चारों का जो है बयान दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर अगर कोई भी खबर आती है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर ज़रूर आएंगे।